अभी मैं बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 7.2 का तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे शीर्षों इतना इतना और इतना, यानी यहाँ पे तीन शीर्ष दिए हुए हैं और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे ये तीनों शीर्षों जो दिए हुए हैं, इन तीनों शीर्षों द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। फिर आगे कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है मध्य बिंदुओं द्वारा उसका क्षेत्रफल और फिर बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी बताने के लिए भी कह रहा है। तो ये जो तीनों शीर्षों दिए हुए हैं, इन तीनों शीर्षों द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे बनाते हैं इस तरह। तीन शीर्ष वाला एक त्रिभुज बनाएंगे, तीन भुजा वाला भी। यहाँ पे एक शीर्ष मान लेंगे ए है और इसका निर्देशांक मान लेंगे यह पहला वाला है 0, -1 और दूसरा को मान लेंगे यहाँ पे यह जो बिंदु है इसको बी मान लेंगे, यानी यह जो शीर्ष है इसको बी मानेंगे और इसका निर्देशांक दूसरा वाला 2, -1 है इसको मान लेंगे। उसके बाद इस शीर्ष को मान लेंगे सी है और इसका निर्देशांक जो है यहाँ पे तीसरा वाला 0, -3 है इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे तीनों शीर्षों द्वारा यहाँ पे एक त्रिभुज बना और इस त्रिभुज के कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं द्वारा बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे मध्य बिंदुओं द्वारा एक त्रिभुज बनाते हैं, तो ए बी के मध्य बिंदु यानी इस त्रिभुज के भुजा का यहाँ पे मध्य बिंदु ए बी है, तो ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेंगे, बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेंगे और ए सी का मध्य बिंदु मान लेंगे यहाँ पे है। तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे इस तरह तो एक और त्रिभुज बनेगा इसमें, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इस बिंदु को मान लेंगे कि यह जो है पी है, यह क्यू है, यह आर है। यानी यह छोटा वाला त्रिभुज जो है पी क्यू आर, इसका शीर्ष मान लेंगे पी क्यू आर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके बाद बड़का त्रिभुज का यानी ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों का अनुपात भी बताना है। तो इतना तो हो गया, समझ में आया कि यह चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब इसको ज्ञात कैसे करना है तो चलिए इसको बताते हैं, लेकिन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर। तो इसको करने से पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद इसमें छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिनके जो तीनों शीर्ष है इनका निर्देशांक भी होना चाहिए, तो इनका निर्देशांक पहले ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने से पहले जो माना गया है कि ये जो तीनों शीर्ष है इसके द्वारा जो त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी उसको मानेंगे। यहाँ पर लिखा है माना कि शीर्षो ए का निर्देशांक माने 0, -1, बी इसका माने 2, -1 और सी माने हैं 0, -3 को। इतना से यानी माना कि शीर्षों ए बी और सी से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, इतना मान लेंगे। यहाँ पे लिखाया गया जिसके मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज पी क्यू आर है, लिखाया गया जिसके मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज पी क्यू आर है, इतना मान लेंगे। यानी ए बी सी जो त्रिभुज है इसके मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज यहाँ पे पी क्यू आर है, इतना मान लिया है। अब जो है हमको ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पी बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो ए बी के मध्य बिंदु है, उसके बाद क्यू का निर्देशांक चाहिए तो बी सी का मध्य बिंदु है, फिर आर का निर्देशांक चाहिए तो ए सी का मध्य बिंदु है। तो क्या करते हैं, मध्य बिंदु के फॉर्मूला से इनके मध्य बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो पहला जो है ए बी के मध्य बिंदु पी है उसका निर्देशांक निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखाया गया मध्य बिंदु पी के लिए, तो पी के लिए निकालना है, तो पी यहाँ पे मध्य बिंदु है ए बी का, तो ए और बी का बिंदु चाहिए यानी ए और बी शीर्ष चाहिए, उसी के द्वारा उसका निर्देशांक निकलेगा। तो ए बिंदु लेंगे 0, -1 है और इससे एक्स वन प्राप्त करेंगे 0 होगा और वाई वन प्राप्त करेंगे -1 होगा। उसके बाद बी बिंदु लेंगे तो बी बिंदु का निर्देशांक है 2, -1 इतना लिख लेंगे और इससे एक्स टू लिखेंगे 2 होगा और वाई टू लिखेंगे 1 हो जाएगा, इतना लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो मध्य बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे पी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, लिखाया गया यहाँ पे अब ए बी के मध्य बिंदु पी का निर्देशांक बराबर, फार्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने वाला एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, यह मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने वाला फार्मूला है।
अब जो है P बिंदु का निशान मालूम नहीं है तो मान लेंगे कि x कॉमा y के रूप का है, यहाँ पे लिख देंगे इसके बराबर, यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसमें से वैल्यू रखेंगे, x1 का वैल्यू 0 है 0 लिखेंगे, प्लस x2 का वैल्यू 2 है 2 लिख देंगे बाई 2 कॉमा y1 का वैल्यू इसमें माइनस 1 है माइनस 1 लिखेंगे, प्लस y2 का वैल्यू 1 है 1 लिख देंगे बाई 2 इतना लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखा है एक्स कॉमा वाई बराबर यहाँ 0 में 2 जोड़ेंगे या 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा बाई 2 कॉमा यहाँ पे माइनस 1 है प्लस 1 है तो प्लस माइनस या माइनस प्लस में रहता है तो घटता है तो घटाएंगे 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा बाई 2। अब जो है x कॉमा वाई बराबर 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 होगा, उसके बाद 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया, तो इस बिंदु का निशान 1,0 हो गया, यानी P बिंदु का निशान जो है 1,0 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1,0 इस P बिंदु का निशान। उसके बाद अब Q बिंदु का निशान चाहिए तो BC का मध्य बिंदु है तो BC बिंदु लेना होगा, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं मध्य बिंदु Q के लिए इतना लिख देंगे। उसके बाद B बिंदु लेना होगा, B बिंदु का निशान है 2,1 और इससे x1 बनाएंगे 2 हो जाएगा, उसके बाद y1 1 हो जाएगा। उसके बाद सी बिंदु का निशान है 0,3 इतना लिख देंगे और x2 का वैल्यू हो जाएगा 0 और y2 का वैल्यू हो जाएगा 3 इतना लिख देंगे। उसके बाद q बिंदु का निशान निकालना है तो यहाँ पे लिखना होगा bc का मध्य बिंदु है इसलिए यहाँ पे लिखना होगा bc के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, यह हो गया फॉर्मूला। अब जो है इसको इधर लिखते हैं, यहाँ पे BC के मध्य बिंदु जो है Q, Q का निशान निकालना है तो इसको मान लेंगे x कॉमा वाई के रूप का है, अब बराबर इधर वैल्यू रखेंगे x1 का मान इसमें है 2 2 लिखेंगे और प्लस x2 का मान 0 है 0 लिखेंगे बाई 2 कॉमा y1 का मान 1 है 1 लिखेंगे और प्लस y2 का मान 3 है 3 लिखेंगे बाई 2 इतना लिख देंगे। यहाँ पर लिखा है एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे 2 में 0 जोड़ेंगे या 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा बाई 2, यहाँ 1 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा बाई 2। तो यहाँ पे x कॉमा वाई बराबर 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और कॉमा 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 1,2 आ गया, तो x का वैल्यू 1 हुआ और y का वैल्यू 2 हो गया, तो इस बिंदु का निशांक हो गया 1,2 यानी q बिंदु का निशांक जो है 1,2 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,2। अब जो है r बिंदु का निशांक चाहिए तो लिखेंगे मध्य बिंदु r के लिए और यह जो है AC का मध्य बिंदु है तो A और C बिंदु लेना होगा, इसको और लिखना होगा और उससे x1 y1 x2 y2 लिखना होगा, तो इसको लिखते हैं दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे लिख लिए, अब क्या करते हैं तो लिखेंगे यह जो है r बिंदु या AC का मध्य बिंदु है तो लिखाएगा AC के मध्य बिंदु r का निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है मध्य बिंदु वाला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 इतना लिख देंगे। अब जो है यहाँ पे AC के मध्य बिंदु r का निर्देशांक बराबर लिखेंगे x कॉमा वाई, यानी उसका जो निर्देशांक आएगा इसी रूप का आएगा x कॉमा वाई के रूप का, बराबर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x1 का मान 0 है 0 लिखेंगे, x2 का मान भी 0 है 0 लिखेंगे बाई 2 कॉमा y1 का मान माइनस 1 है और प्लस y2 का मान 3 है बाई 2 लिख देंगे। उसके बाद x कॉमा वाई बराबर यहाँ पे दोनों 0 है जोड़ करके 0 ही होगा बाई 2 कॉमा यहाँ पे एक माइनस में है प्लस में है तो माइनस प्लस में है तो घटेगा, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 होगा और प्लस वाला का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए यहाँ प्लस नहीं होगा बाई 2। यहाँ पे x कॉमा वाई और यहाँ 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 होगा और 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 होगा यानी कट करके 1 होगा, तो यहाँ पे x का मान 0 आ गया और y का मान 1 है तो यहाँ पे x कॉमा y का निशान जो है 0,y है यानी r बिंदु का निशान आ गया 0,1। तो अब जो है तीनों बिंदुओं का निशान निकल गया है तो उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वो जो त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे बना लेते हैं लगभग में, यानी A B C है और बीच में इस तरह बना हुआ है, यहाँ पे P है Q है R है, P का निर्देशांक भी आ गया है Q का भी आ गया है R का भी आ गया, R का निर्देशांक यहाँ पे आया है 0,1 लिख लेंगे, Q का निर्देशांक कितना है उसको देखते हैं, P का भी देखते हैं, उसके बाद A B C का भी देख करके यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ से देख करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में आसानी होगा, तो पहले उसको देख करके यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे सभी जो बिंदु का निर्देशांक था इसको यहाँ पे लिख दिए हैं, लिखने के बाद पहले
पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है, तो पहले हम उसको लेते हैं। यहाँ पे लिखाएगा त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका तीनों जो शीर्ष है उससे हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू बनाना होगा और उसी के द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले क्या करते हैं, P बिंदु लेंगे और इसका निशान जो है इसमें 1.0 है, 1.0 लेंगे और इससे x1 लिखेंगे, इसमें 1 है 1 लिख देंगे। उसके बाद y1 का मान इसमें 0 है 0 लिख देंगे। उसके बाद q का मान जो है 1.2 है 1.2 लिखेंगे और उससे x2 का वैल्यू लिखेंगे 1 होगा और y2 का वैल्यू लिखेंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद r का वैल्यू इसमें है 0.1 इतना लिखेंगे और x3 का मान हो जाएगा 0 और y3 का मान हो जाएगा 1, इतना तीनों शीर्षों के द्वारा लिख लेंगे। अब हमको त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 × x1 × y2 − y3 + x2 × y3 − y1 + x3 × y1 − y2 ब्रैकेट बंद। यह हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूला पर वैल्यू रखना है, तो अब ऊपर से आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 × x1 है पहले, तो x1 का मान 1 है 1 लिख लेंगे, × y2 का मान इसमें 2 है 2 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, y3 का मान 1 है 1 लिख लेंगे, × + x2 है x2 का मान इसमें 1 है 1 लिखेंगे, × y3 है y3 का मान 1 है 1 लिखेंगे, और उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद y1 का मान 0 है 0 लिख लेंगे, + x3 है x3 का मान 0 है 0 लिखेंगे, × y1 का मान इसमें 0 है 0 लिखेंगे, माइनस यहाँ वाला, और उसके बाद y2 का मान इसमें 2 है 2 लिख लेंगे, और यह ब्रैकेट बंद इतना लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 × यहाँ पे 1 है अगुना 2 से 1 घटेगा तो 1 होगा, प्लस यहाँ पे 1 है अगुना 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ पे 0 है अगुना 0 में से 2 घटेगा तो -2 ही रहेगा, इतना लिख देंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे लिखेंगे 1/2 × 1 से 1 में गुना होगा तो 1, प्लस फिर 1 से 1 में गुना होगा तो 1, प्लस यहाँ 0 से इसमें गुना होगा तो 0 होगा, 0 से किसी भी संख्या में गुना होता है तो 0 होता है, इतना लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1/2 अगुना यहाँ पे 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ये 0 नहीं जुड़ेगा, तो 2 से 2 में भाग लगेगा तो 1 होगा, यानी कट करके 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आया, तो इसको लिखेंगे वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आ गया 1 वर्ग मात्रक, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग मात्रक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब जो है कहा है कि इस क्षेत्रफल का और उसके बाद बड़ा वाला जो त्रिभुज है ए बी सी का क्षेत्रफल, उसका दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हमको ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे लिखाएगा त्रिभुज ए बी सी में, इतना लिखेंगे। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इनके तीनों शीर्षों को लेना होगा, तो पहला शीर्ष ए है इसका लेना होगा, यहाँ पे 0.-1 है इतना लिख लेंगे और इससे x1 प्राप्त करेंगे 0 होगा, y1 प्राप्त करेंगे -1 होगा। उसके बाद बी बिंदु लेंगे, बी बिंदु का निशान जो है यहाँ पे है 2.1, तो 2.1 लिखेंगे और इससे x2 लिखेंगे 2 होगा, y2 लिखेंगे 1 हो जाएगा। उसके बाद सी बिंदु का निशान इसमें है 0.3 और इससे x3 लिखेंगे 0 होगा और y3 लिखेंगे 3 हो जाएगा, इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ पे ज्ञात करते हैं, जगह कम है यहीं पे लिखते हैं, लिखाएगा यहाँ पे इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बराबर यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे, लिखाएगा 1/2 × x1 × x3 + x2 × y3 − y1 + x3 × y1 − y2, इतना लिख देंगे ब्रैकेट में। अब जो है यहाँ से लिखते हैं और इसका वैल्यू रखेंगे, तो x1 का वैल्यू इसमें 0 है 0 लिखेंगे, × y2 का मान 1 है 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, उसके बाद y3 का मान 3 है 3 लिख देंगे, + x2 है x2 का मान इसमें 2 है 2 लिखेंगे, × y3 का मान इसमें 3 है 3 लिखेंगे, −y1 है y1 का मान −1 है −1 लिख देंगे, +
x3 है, x3 का मान इसमें 0 है, 0 लिखेंगे, into y1, y1 का मान -1, फिर यहां पे माइनस है, माइनस लिखेंगे, और उसके बाद y2 है, y2 का मान 1 है, 1 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो यहां पे वैल्यू रखा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखा होगा 1/2 into यहां पे 0 है, इसमें गुणा है, तो 0 से इस सभी में गुणा करेंगे तो 0 होगा, यहां पे 0 डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि घटाकर भी इस 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो इतना लिख दिए हैं। अब प्लस यहां 2 into 2 है तो गुणा होगा ही, इसलिए इसका वैल्यू सजाना होगा, तो 3 यहां माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा और 1 का 1। अब प्लस यहां 0 है, 0 से इसमें गुणा है, तो इसमें जो भी वैल्यू है 0 से गुणा होगा तो 0 होगा, यहां जोड़ का भी यानी माइनस से और माइनस 1 जोड़ेंगे तो -2 होगा, उससे भी 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो इसलिए हम पहले ही गुणा करके यहां पे 0 लिख दिए हैं, और ब्रैकेट बंद, बराबर 1/2 into ये 0 0 हट जाएगा, उसके बाद 2 इसमें बचा है, अब गुणा 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी 1/2 यहां 2 से 4 में गुणा होगा तो 8 होगा, अब 2 से 8 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, यानी यहां पे बराबर लिखेंगे 4 और वर्गमात्रक लिखेंगे, यहां पे वर्गमात्रक लिखा जाएगा, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है आ गया यहां पे 4 वर्गमात्रक, तो यहां पे त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है उसका आ गया 1 वर्गमात्रक, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है यहां पे आ गया 4 वर्गमात्रक। अब इस दोनों का अनुपात भी बताना है, तो अनुपात हम इसका दूसरे पेज पर ज्ञात करते हैं, तो यहां पे लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर आया है 1 वर्गमात्रक, तथा दूसरा जो है बड़ा वाला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है आया है 4 वर्ग मात्रक, यानी यहां पे आया है ABC का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक, और यहां पे है 1 वर्ग मात्रक त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब इस दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहां पे लिखाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं अनुपात बराबर, या लिखाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा, तो किसका, तो यहां पे लिखाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, लिखाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो अब यहां पे वैल्यू रखेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है 1 वर्गमात्रक है तो 1 लिखेंगे, बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो है 4 है तो 4 लिखेंगे, ऊपर वर्ग मात्रा का नीचे भी वर्ग मात्रा लिखेंगे तो ऐसे कट के कट ही जाएगा, तो ये इतना ही बचेगा 1/4, तो यहां पे कटेगा नहीं, तो इसको लिख देंगे 1/4, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है 1/4 है, तो यहां पे ज्ञात हो गया। तो पहला क्वेश्चन था कि जो तीनों शीर्षों दिए हुए थे उनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं द्वारा जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो उसके मध्य बिंदुओं द्वारा जो त्रिभुज बना था PQR उसका क्षेत्रफल आ गया है 1 वर्ग मात्रक, और उसके बाद कहा कि उसका क्षेत्रफल यानी उसके मध्य बिंदुओं द्वारा जो बना हुआ त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल और बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो उसका जो अनुपात आया है यहां पे 1/4 आया है। इस तरह दोनों क्वेश्चनों का जवाब हो गया, तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, तो इस तरह यह क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।